जी तो अस्सलाम वालेकुम। खैर ये मत देखो, ये तो चेंज होता रहेगा। क्या नहीं? क्या कह रहा हूँ मैं, वो असल में बात सारी ये है कि इतनी दिनों से ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, उसकी वजह ये है कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा हेसिटेट, या तो ये कहा जाए कि कंफ्यूज चल रहा था कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, और अगर बनाऊँ भी तो क्या व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि कुछ था ही नहीं। इवेंट में मैं गया नहीं, दो तीन हुए थे, लेकिन अब हर वीडियो में मैं ये तो रोना नहीं रो सकता कि मैं इस इवेंट में नहीं गया, मैं इस इवेंट में नहीं गया। तो इस बात को साइड पर रखते हैं, ये हेसिटेशन आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि गूगल एक जिन है, वो आपको सब कुछ बता देगा। सही है, तो इस प्रॉब्लम में ये सारी ड्यूरेशन गुजर गई और पता भी नहीं चला, और मेरी यूनी स्टार्ट हो गई। अब यूनी स्टार्ट हो गई तो भाई व्लॉग्स कैसे बनाऊँ, क्योंकि स्टडी भी तो करनी है। तो एज अ स्टूडेंट मैं अपनी प्रायोरिटी पे अपनी स्टडी रखूँगा, और प्रायोरिटी से हटकर मैं ब्लॉग्स रखूँगा। अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा। अब मुझे एक नुकसान ये होगा कि अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाता तो ये जो मैंने अपनी 300 350 की जो ऑडियंस मैंने अपने अराउंड क्रिएट की है, वो मैं खो दूंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं व्लॉग्स बनाता रहूं, मतलब कि महीने में एक या दो, मिनिमम एक या दो, या हो सकता है तीन, हो सकता है आए नहीं महीने में, नेक्स्ट मंथ में आ जाए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी जो ये ऑडियंस क्रिएट हुई है ये कहीं भी जाए। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो यार कोई मसला नहीं है, हम नेक्स्ट व्लॉग में फिर बात कर लेंगे इस बारे में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और भाई कनेक्ट रहें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।